आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स ऑफ PTEN2Cl2+ इज। अब ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स जो होते हैं हमारे पास, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ना हो। और प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है हमारे पास? प्लेन ऑफ सिमेट्री हमारे पास होती है जब भी हम कोई मॉलिक्यूल में से अगर एक प्लेन को पास करें, प्लेन पास, तो वो हमारे जो मॉलिक्यूल को है वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, या कहे जो हमारे पास दो टू हाफ्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो हमारे पास उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, तो जिसमें ऐसा हो जाएगा वो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, और POS, और जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स नहीं होगा। तो जिसमें POS नहीं होती वो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होता है। हमारे पास है PTEN2Cl2+ अब EN2 को देखें तो हमारे पास एक बाइडेंटेट लिगेंड है, इथाइलिन डायमीन बाइडेंटेट लिगेंड है, और हमारे पास ये AA टाइप का बाइडेंटेट लिगेंड, मतलब जो अपने दोनों जो है इसके सिमिलर एटम्स होते हैं जिसे डोनेट करते, दैट इज नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। अब जो हमारे पास ये फॉर्म आई, ये आ गई MAA2 और B2+। अब B जो हमारे पास ये क्लोरीन है, हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो इसके पास जो हमारे पास इसके दो आइसोमर बन सकते हैं, एक तो सिस और एक ट्रांस, सिस एंड ट्रांस आइसोमर बन सकते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखा सकता है, सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। सिस में तो हमारे पास दोनों जो है एडजेसेंट जो लिगेंड्स है वो एडजेसेंट पोजीशन प्रेजेंट होगी, जैसे EN, ठीक है, और एक ये EN, ठीक है, और ये CL और ये CL, ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास सिस। और ट्रांस लेंगे तो दोनों अपोजिट प्रेजेंट हो एक दूसरे से, ये हो गया EN, ये हो गया EN और ये CL और ये CL, तो दोनों सेम लिगेंड जो है वो अपोजिट प्रेजेंट हो ईच अदर से। अब अगर हम देखें तो इसमें तो सीस में तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर हम कोई भी इसमें प्लेन ले तो वो इक्वली कट नहीं कर रहा, तो इसमें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं। लेकिन अगर ट्रांस में बात करें तो इसमें हमारे पास POS प्रेजेंट है, ठीक है। अब POS प्रेजेंट है, देखें तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से कट करूँगा, ठीक है, ये वाला प्लेन लूँगा तो ऊपर CL और नीचे CL, तो ये इक्वल हाफ्स हो जाएंगे, तो POS प्रेजेंट। और अगर मैं इस वाले प्लेन से पास करूँगा क्लोरीन एम क्लोरीन वाले से, तो ये तो क्लोरीन को तो मिडिल में से काट देगा, दोनों को बीच में से, मेटल को मेटल एटम को भी, और जो इथाइलिन डायमिन इस साइड बचा, इथाइलिन डायमिन इस साइड बचा, दोनों मिरर इमेज हो जाएंगे, तो ये भी हमारे पास प्लेन है, तो इसमें भी हमारे पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ऑप्टिकली ये इनएक्टिव हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये अपने दो एनेंशियोमेरिक फॉर्म में रहेगा, डी एल एंड एल, तो ऑप्टिकली एक्टिव है तो डी एंड एल आइसोमर इसके होंगे, ठीक है, तो एक एनेंशियोमेरिक पेयर होगा इसका, एनेंशियोमेरिक पेयर वन, और जो है डी एल एंड आइसोमर होंगे, डी एंड एल आइसोमर। तो अगर देख प्लेटिनम ई एन सी एल और सी एल, और एक इसकी मिरर इमेज पी टी EN, CL, एक डी आइसोमर और एक एल आइसोमर, ठीक है, तो ये दो आइसोमर इसके जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो जो इसके ऑप्टिकली एक्टिव है वो दो आइसोमर्स होंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।